कपड़े छत पर डाल के आती हूँ और कुछ कपड़े हैं मशीन पर। हेलो जी, हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग भले चंगे होंगे। श्रेया के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी मैं सुबह में झाड़ू लगा रही थी और उसके बाद मैंने सोचा कि ना यहाँ दरवाजे पे थोड़ा सा बहुत सारे मिट्टी जो है जम जाते हैं, तो बस इसको ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा ब्रश मारना है। तो इसको मैं रोज़ सोचती हूँ तो रोज़ मैं कल कर लूँगी, मैंने सोचा अब भी कर लेती हूँ। तो मैंने दरवाजे को साफ़ किया और उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और ये जो है ना भगोने में आप जो देख रहे हैं, ये है सीरा। तो इसको मुझे आज ना इसको गर्म करना है। मैं सोच रही हूँ झाड़ू लगा लूँ, फिर जाऊँ छत पे गर्म करूँ। फिर सोच रही हूँ कि अगर मैं छत पे लेके जाती हूँ ना, तो छत पे इस समय धूप जहाँ पे मैं चूल्हा रखी हुआ है, पर धूप बहुत ज़्यादा इस समय आ रही है और गर्मी का समय आ गया है, तो धूप कड़ाके की भी हो गई है। तो बस यहाँ पे भगवान जी के पास झाड़ू लगा लेंगे और किचन बचेगा और पीछे वाला रूम बचेगा। तो फटाक से मेरा जो है झाड़ू वाला काम खत्म हो जाएगा। झाड़ू लगाने के बाद लगे हाथ में पोछा लगा लूँगी। और अभी मैं नहा खा ली हूँ, खाना भी खा ली हूँ और यहाँ पे आरओ मैंने चला दिया है। आरओ खाली था, सुबह मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैं सुबह में बहुत लेट में उठी हूँ। लेट में मतलब 7:45 बजे मैं जगी थी। और उसके बाद मैं टॉयलेट साफ़ करना था, उसको साफ़ करी और उसके बाद मैं नहा ली। नहाने के बाद हाँ, एक चीज़ मुझे याद आया, और आज मेरे हस्बैंड सब्जी बनाए थे। श्रेया आटा गूंथती थी। अरे यार, आटे की तो मैं बता दूँ आपको कि मतलब यहाँ पे ना चूड़ा और लाई मेरी माँ भेजी थी, वो रखा हुआ है। तो अभी मैं सोच रही हूँ झाड़ू लगा लूँ तो मैं इसे निकालूँ, चूड़े को ले जाऊँगी छत पे, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा इसमें स्मेल ना आने लगे इससे पहले कि हम इसको सुखवा लें। और जैसे पोहा वगैरह हम बनाएंगे उसमें भी यूज हो जाएगा। तो फिलहाल मैं चलिए पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। ये कमरा बचा है, किचन बचा है, दो कमरे में झाड़ू बचा है, तो वो फटाफट से लगा लूँ। और अभी मैंने दरवाजे जो है ब्रश से साफ़ किया है, जो इस पर डस्ट आ जाते हैं ना, जैसे ये इस तरह से दरवाजे पर। जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप किसी चीज़ को चाह लेते हो तो उसको कर सकते हो। तो पीछे से इस तरह से दिखता है, आगे से आपको इस तरह से दिखेगा, इस तरह से। तो इस पे जो डस्ट है ना बहुत ज़्यादा जमता है, तो मैंने अभी ब्रशेस को साफ़ किया। पहले मैं क्या करती थी, इसको हल्का सा गीला कपड़ा मार देती थी तो इसकी जो लाइट है, शाइनिंग है, वो चली जाती थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो मेरा कलर हो रहा था दरवाज़ा, तो इस पे अच्छे से मतलब कलर लग गया था, मतलब अच्छे से मतलब कलर लग गया था। और जैसे मैंने सूखे कपड़े से मतलब गीले कपड़े से मैं इस पर मार देती हूँ ना, तो इसका क्या होता है, लाइट जो है बुझ जाती है। ये दरवाज़ा और वो किचन का दरवाज़ा, ये किचन का है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये किचन का दरवाज़ा है और बेडरूम का दरवाज़ा एक ही जैसे है। और दोनों दरवाजे एक जैसे हैं बट इसमें है पॉलिश नहीं हुआ है, तो इसकी लाइट बुझी है। इसलिए मैं अब सोच रही हूँ कि मैं ब्रश मारूँगी कपड़े भीगा के, अगर साफ़ भी करना है तो सूखा कपड़ा मारूंगी, गीला कपड़ा नहीं मारूंगी, क्योंकि उसकी पॉलिश जो है ख़त्म हो जाती है। तो बस जल्दी से चलिए पहले पोछा झाड़ू लगा देती हूँ, तो उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। अभी बज रहे हैं 11:10, और आपको नहीं विश्वास हो तो मैं दिखा दूँ, लाइट है, दिख नहीं रहा है, उसी साइड में बल्ब जल रहा है, ये भी मैं करके दिखा देती हूँ, कन्फर्म कर देती हूँ आपको। तो 11:00 क्लियर नहीं आ रहा है, 11:10 हुआ है। तो और हाँ, मुझे एक चीज़ और दिखाना था आप सबको कि मैं कल क्या मुझे मिला है। ये देखिए, मैं कल गई थी गाना गाने, तो मुझे ये सारी चीज़ें मिली है जो कि इतना नहीं मिलता है, लेकिन बहुत दिए हैं इन्होंने। एक कटोरी मिली है कुछ इस तरह से, और बहुत छोटी नहीं है, सब्जी वगैरह आप दे सकते हैं। ये कुछ इस तरह से डिजाइन में डोंगा टाइप है, कटोरी भी कह सकते हैं आप। ये कटोरी है, ये आप
डोंगा में भी इस्तेमाल कर सकते हो उसको, मतलब कुछ भी रख सकते हो, खा भी सकते हो। एक ये प्लेट मिली है और इसी तरह से करके एक प्लेट ये मिली है, ये कुछ इससे बड़ी है मॉडल वैसे ही लेकिन ये कुछ बड़ी है उससे। और सबसे बड़ा जो है मिला है डोंगा, तो ये देखिए थोड़ा सा हल्का है लेकिन ये है कि फ़िलहाल अगर चिटकेगा नहीं तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये डोंगा है मेरे पास, इसमें के कई डोंगे हैं जो कि एक डोंगा और शामिल हो गया। सासू जी मेरे डोंगा उंगा बहुत सारी बर्तन खरीद के रखी थी, तो डोंगा उंगा तो मैं नहीं खरीद, तो टोटली हमको 6 बर्तन मिला है, एक गिलास मिला है। गिलास में मैं अभी पानी निकाली थी, ये गिलास मिला है एक, और 6 टोटली बर्तन मिला है मुझे। तो जूठा हो गया था गिलास रखा था, तो मैंने बर्तन धुल लो उसी में मैं पानी लेके आ गई, ध्यान नहीं दी। और उसके बाद मिला है यहाँ पे एक साबुनदानी है इसमें, और बिस्किट है, और ये साइड में आपको दिख रहा होगा बतासा है, शादी में बतासा चलता ना, तो हमको लगता है कि ये शायद इनके लोग के यहाँ चलता है इस तरह से। हम लोगों के यहाँ गाना गाते हैं तो एक बर्तन देते हैं, एक बर्तन में मिठाई करके दे देते हैं। तो यहाँ पे ये साबुनदानी भी, कोई साबुनदानी दिया है, कोई पार्ले बिस्किट दिया है, बर्तन जैसे ऐसे करके इस तरह से करके बिस्किट, इसमें भी बिस्किट था, और इसमें शायद बतासा ऐसे करके दिए थे, इस तरह से ऐसे करके दिए थे, तो इसमें भी बतासा था, ऐसे कुछ करके था, और एक साबुनदानी ऐसे मिला था इस तरह से, तो इस तरह से करके है। हैं श्रेया के टेडी बियर जी, और उसकी सिलाई बाजू का खुल गया है तो उसको मैं तैयार करूँगी। और मेरा पर्स वगैरह ऐसे बिखरा है सामान, उसको मतलब उसमें थोड़ा सा गोल्ड रखी हूँ तो उसको हटा के रखना है, क्योंकि अभी मुझे पहनना है आज नहीं हटाएंगे, आज पहनना है मुझे, तो उसको मैं पहनूंगी। और यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ सामान बिखरे हुए हैं, तो इनको सारे चीज़ों को समेटूंगी और झाड़ू लगाऊंगी। बर्तन दिया जाता है, जैसे गाना गाते हैं तो चाहे डोंगा आप दे सकते हो, तो उसमें आप 4 से 5 मिठाई कर सकते हो, कोई 2 मिठाई करता है, कोई 4 करता है, मैक्सिमम 4 रहता है, 3 बहुत कम ही रहता है, या तो 5 करेंगे, या तो फिर 2 करेंगे, या तो फिर 4 करेंगे, इस तरह से मिठाई देते हैं। और जिसके यहाँ गाना गाने जाते हैं बस वही देता है। अब इनके यहाँ के इनकी मामी, इनकी बुआ, जो जैसे जिसको दिए हैं वो इनके बच्चे के शादी में आके देता है, तो इस तरह से करके ढेर सारे बर्तन, मतलब 6 बर्तन मुझे मिला है। और वैसे दो बर्तन ऐसा कुछ करके कुछ ग्लास व्लास आए थे जो कि नहीं बटे थे, तो शायद हो सकता है कि अगर वो सारे बटते ना तो 8-8 बर्तन मिलते, तो फिलहाल बहुत ज़्यादा मिला है, क्योंकि इतना हम लोगों के यहाँ नहीं होता है और बहुत ज़्यादा मिला है। देने वाले की जेब खाली हो जाती है, लेने वाला का पेट नहीं भरता, ये बात तो सही है, आप समझ सकते हो कि लेने वाले का पेट नहीं भरता है। और यही जो देता है बेचारे, उस लड़की की शादी के लिए हम लोगों को भी ख़राब लग रहा था कि लड़की की शादी है, इतना नहीं देना चाहिए था, और नहीं पता था कि इतना ये देंगे। पैसे वगैरह तो हमने दे दिया है, कार्ड भी नहीं दिए थे, फिर भी गाने के लिए बुलाए थे, फिर भी हम लोग ने पैसा दे दिया, लेकिन उस हिसाब से जिस हिसाब से दिए हैं उस हिसाब से मुझे लगा कि और भी देना चाहिए ना, क्योंकि थोड़ा सा देखो किसी के ऊपर भारी ना पड़े, ये चीज़ है ना। तो फिलहाल मैं देखिए इसी में मेरा लेट होता है, मैं ब्लॉग बनाने लगती हूँ फिर मतलब काम मेरा लेट हो जाता है, 10 मिनट से 15 मिनट हो गया, अब भी आपसे बात नहीं करूँगी। कपड़े छत पर डाल के आती हूँ और कुछ कपड़े हैं मशीन पर, यहाँ पे हस्बैंड का रखा हुआ है कपड़ा, इसको हम रख देंगे मशीन में, आज तो है वेडनेसडे, आज नहीं मिलूंगी। और सारे कपड़े जो है इकट्ठे हो गए हैं, तो सोच रही हूँ आज नहीं भूलूंगी, भूलूंगी इसको फ्राइडे को, तो पहले फिलहाल मैं कपड़े डाल दूँ। चुका है तो सारे काम मेरे फिनिश हो गए हैं, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह मैंने सब कर लिया है, इधर भी देख लीजिए आप, तो मैं अभी जहाँ पे खड़ी हूँ यहाँ पे मेरा बीच का है सीढ़ी का
सीढ़ी के पास अगर मैं खड़ी हूँ तो समझ लीजिए कि आधा पोर्शन मेरे घर का इधर है, आधा पोर्शन इधर है। मैंने कई बार आप सबसे बताया भी है, तो यहाँ पे आपने देख रहे हैं कि यहाँ पे बोरी धो रखी है, तो यहाँ पे जो 13वीं में आया था इसमें है चावल, दो जगह से चावल आया था तो इसमें चावल है और इसमें भी चावल है, तो ये वाला चावल खाया जा रहा है। और फिलहाल अभी तो मैं कपड़े डाल के आऊँ और फिर कॉम वॉम करती हूँ, फिर उसके बाद आप सबसे बात करूँगी। और इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ, क्योंकि लंबा हो जाएगा, आप लोग भी दिक्कत हो जाएगी, आपको परेशानी होगी कि इतना लंबा वीडियो देखें। इससे अच्छा कि इस यहीं पे एंड कर देती हूँ, फिर बाल वाल का कॉम वॉम करूँगी और लाइव करूँगी, आप सबसे बात करूँगी। बाय, टेक केयर, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ फिर से मैं आप सबको परेशान करने आ रही हूँ। बाय।